ठोस एवं अर्धचालक युक्तियाँ। पिछले कक्षा में हमने क्लास में हमने देखा कि इसके अंतर्गत पी एन डायोड क्या होता है, पी एन डायोड किस प्रकार बनाया जाता है, पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को जब हम एक विशेष विधि जिसको डोपिंग कहते हैं के माध्यम से जोड़ा जाता है तो वह पी एन संधि डायोड कहलाता है, है ना। और पी एन संधि डायोड में फिर धारा जो होता है किस प्रकार प्रवाहित हो, इसके लिए उसे हम दो तरीके से जोड़ते हैं। इसके बारे में हमने देखा था कौन कौन से तरीके से जोड़ते हैं, अग्र अभिनति में और पश्च अभिनति में हम इसे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। हमने देखा था कि अग्र अभिनति में जब डायोड को जोड़ा जाता है या अर्धचालकों को जोड़ा जाता है तो वहाँ पे पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसको बैटरी के धन सिरे से तथा एन प्रकार के अर्धचालक उसको हम बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। यानी पी को हम क्या कहते हैं, धन कहते हैं, है ना, और एन को क्या कहते हैं, ऋण कहते हैं। तो जब धन को धन से और ऋण को ऋण से जोड़ते हैं, यानी जब हम सीधे सीधे जोड़ते हैं तो उस स्थिति को या उस अभिनति को क्या कहते हैं, अग्र अभिनति कहते हैं। ऐसी स्थिति में उस परिपथ में अधिक मात्रा में धारा प्रवाह होता है, ठीक है। तो वह कौन सी अभिनति है जिसमें धारा प्रवाह होता है, अग्र अभिनति, ठीक। उसके पश्चात जो हमने देखा था पश्च अभिनति, इस अभिनति में हम पी जो अर्धचालक होता है उसको हम बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, है ना। यानी पी मतलब प्लस और एन मतलब माइनस। जब प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से यानी विपरीत जब जोड़ते हैं तो उसे कौन सा अभिनति कहा जाता है, पश्च अभिनति कहा जाता है। ऐसी स्थिति में धारा का प्रवाह नहीं होता है या अल्प मात्रा में धारा प्रवाह होता है और इसे हम क्या कहते हैं, पश्च अभिनति कहते हैं। इसके विषय में हमने कल जो है विस्तार से क्या किया था, अध्ययन किया था। इसके उपरांत हमने पी एन संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में उपयोग देखा था, है ना। हम क्या कर सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को किस में बदल सकते हैं, दिष्ट धारा में, डीसी करंट में बदल सकते हैं। एसी यानी अल्टरनेटिव करंट या उसी को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम दिष्ट धारा यानी डीसी में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। किसके उपयोग से, पी एन संधि डायोड के उपयोग से, है ना। उसमें हमने दो प्रकार देखा था, कौन कौन से प्रकार देखा था, एक देखा था अर्ध तरंग दिष्ट कारी और दूसरा जो हमने देखा था वो क्या देखा था, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी में हमने देखा था कि जो हम निवेशी सिग्नल देते हैं, ठीक है, ये निवेशी सिग्नल था हमारा और निर्गत हमको क्या प्राप्त हुआ था, यहाँ हमको आधे तरंग के रूप में जो है प्राप्त हुआ था इस प्रकार, ठीक। उसी तरीके से पूर्ण तरंग दिष्टकारी जिसमें हमने क्या देखा था, ये हमारा निवेशी सिग्नल जिसको हम क्या कहते हैं, एसी, ठीक है, ये कौन सा है, एसी। और डीसी जो हमने देखा था वो देखा था कि हमको पूर्ण तरंग प्राप्त होता है। इस तरीके से हमने पी एन संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में उपयोग देखा। आज हम इन विभिन्न बिंदुओं के विषय में चर्चा करेंगे, फोटो डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, सोलर सेल, ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो जो फोटो डायोड होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है या फोटो डायोड का हम उपयोग किन उपकरणों में करते हैं, इसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोटो डायोड, ये डायोड क्या होता है या किस प्रकार से कार्य करता है।
फोटोडायोड एक विशेष प्रकार का पीएन संधि होता है, ठीक है। फोटोडायोड एक विशेष प्रकार का पीएन संधि डायोड होता है, जहाँ पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर वह संधि परिपथ में, उस संधि परिपथ में धारा प्रवाह होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हमने कल देखा था डायोड का संकेत, डायोड का संकेत कैसे देखा था, ये एक वृत्त होता है ना, इसमें हम इस प्रकार से त्रिभुज की आकार बनाते हैं, और ये बड़ा वाला सिरा जो होता है वो किसको दिखाता है, पी को, है ना, और ये छोटा जो सिरा होता है ये किसको दिखाता है, एन को दिखाता है, ठीक। तो फोटोडायोड क्या होता है, फोटोडायोड हमने अभी आपको बताया, जब विशेष प्रकार, कैसा, विशेष प्रकार के पीएन संधि डायोड, जब विशेष प्रकार के पीएन संधि डायोड में प्रकाश आपतित होती है या प्रकाश डाला जाता है, तो पीएन संधि परिपथ में धारा प्रवाह होती है, और ये जो क्रिया है उसको हम पीएन, जो संधि होता है इसको हम कौन से अभिनति में रखते हैं, पश्च अभिनति में। कौन से अभिनति में रखा जाता है, पश्च अभिनति में, इस डायोड में ये क्रियाविधि होती है, ठीक है। तो जब विशेष प्रकार के पीएन संधि डायोड, ये पीएन संधि डायोड है, इसमें प्रकाश आपतित होती है, तो पीएन संधि परिपथ में धारा प्रवाह होती है, और इसको हम किस अभिनति में रखते हैं, पश्च अभिनति में रखते हैं, ठीक है। इसको देखिए, इसका कार्य जो है कैसे होता है, या ये जो होता है इसके कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है आपका इसके आधार पे अक्षय परत डायोड, फोटो डायोड, है ना, अक्षय परत फोटो डायोड। और दूसरा जो होता है वो होता है एवलांसी फोटो डायोड, ठीक। तो इस प्रकार जो फोटो डायोड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अक्षय परत फोटो डायोड और दूसरा होता है एवलांसी फोटो डायोड, है ना। और ये क्या है, या ये कैसी युक्ति है, जब विशेष प्रकार के पीएन संधि डायोड में हम प्रकाश आपतित करते हैं तो संधि स्थल से क्या होने लगता है, पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगता है, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये एक विशेष प्रकार का क्या है, फोटोडायोड। अब ये विशेष प्रकार का पीएन, जो विशेष प्रकार का पीएन संधि है, तो ये कौन से पदार्थ से बने होते हैं, ये बने होते हैं गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। इस प्रकार का एक विशेष प्रकार का ये पीएन संधि डायोड होता है, ठीक। हमने यहाँ पे देखा कि जब विशेष प्रकार, ये बात आया है विशेष प्रकार, तो गैलियम आर्सेनाइड इस प्रकार का जो विशेष पीएन संधि डायोड जो होता है, इसमें जब प्रकाश की किरणें क्या करते हैं, आपतित करते हैं, यहाँ पे क्या डालेंगे हम, प्रकाश की किरणें, ठीक है, है ना। ये क्या हो गया आपका, प्रकाश की किरणें हो गया। तो जब हम एक विशेष प्रकार के पीएन संधि, है ना, जो कि गैलियम आर्सेनाइड से बना होता है, इस पर प्रकाश की किरणें डालते हैं, तो इस पूरे परिपथ में क्या होने लगता है, धारा प्रवाह होने लगता है, ठीक है, है ना। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमने देखा अक्षय परत फोटोडायोड और दूसरा देखा एवलांसी फोटोडायोड, ठीक। तो हम एवलांसी फोटोडायोड जो होता है, अक्षय परत फोटोडायोड, एवलांसी फोटोडायोड, दोनों में से हम एवलांसी फोटोडायोड के बारे में देखते हैं कि इसका जो प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये
एब्लांसी जो फोटोडायोड होता है इसका प्रयोग आप देख सकते हैं। आपके जितने भी रिमोट से चलने वाले उपकरण होते हैं, ठीक है, क्या आप ये बता सकते हैं कि रिमोट से चलने वाले कौन कौन से उपकरण आप अपने आसपास देखते हैं, बताइए कौन कौन से रिमोट से ऑपरेट करते हैं, कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड, क्या होता है? टीवी, है ना, टीवी को आप रिमोट से चलाते हैं। उसी तरीके से और कौन से उपकरण होते हैं जिनको हम चलाते हैं रिमोट के माध्यम से? एसी, वेरी गुड, है ना, एसी, टीवी, है ना। और आजकल तो हम देखते हैं कि जो कार होते हैं उसको भी ऑपरेट करने के लिए, है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं, रिमोट का इस्तेमाल करते हैं। और जो समय है बढ़ते जा रहा है, आधुनिकता बढ़ते जा रही है, और हम पाते हैं कि जो अलमारी हमारे घरों में होते हैं उनको भी खोलना और बंद करने के लिए हम क्या करते हैं? रिमोट का इस्तेमाल करते हैं। और आज विज्ञान इतना चमत्कार कर चुका है कि हम बैठे बैठे ही क्या कर सकते हैं, जो पलंग होते हैं, है ना, ठीक है, उनको भी क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये सब कैसे संभव हो पाया? रिमोट से या एवलांसी फोटोडायोड से, ठीक है। ये जो एवलांसी फोटोडायोड जिसके बारे में हम देख रहे हैं, एवलांसी फोटो डायोड, ये किस प्रकार से कार्य करता है या ये कहाँ पे लगा होता है, ठीक। तो हमने क्या देखा कि जो फोटोडायोड होता है उसमें प्रकाश आपतित करने पर उसमें क्या बहने लगता है? धारा बहने लगता है, यानी प्रकाश ऊर्जा किस में बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक। ये जो एवलांसी फोटोडायोड होते हैं ये सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म प्रकाश की जो तरंग होती है उनके प्रति संवेदनशील होता है। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया है कि ये जो फोटोडायोड होते हैं इस पर जब प्रकाश आपतित होती है तो उसमें धारा बहने लगती है, यानी जब हम एवलांसी फोटोडायोड पर क्या डालते हैं? सूक्ष्म प्रकाश की तरंगे डालते हैं तो उसमें क्या बहने लगेगा? धारा बहेगा, निश्चित रूप से क्या बहने लगेगा? धारा बहने लगेगा और वो कार्य करता है। तो ये जो है आप घरों में देखते हैं कि ये आपके टीवी सेट है, ठीक है, इस प्रकार से ये टीवी सेट आप देखते हैं, है ना, और यहाँ पे भी कुछ आप बटन जो होते हैं इसमें लगे होते हैं, ठीक है, और आपके हाथ में क्या होता है? रिमोट होता है, ठीक। इस प्रकार से जैसे ही आप रिमोट के बटन, जैसे आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से क्या होता है? रिमोट होता है। और रिमोट के सामने वाला जो सिरा होता है उसमें एक आप जो है बल्ब देखते हैं, तो ये जो बल्ब होता है जैसे ही आप इससे को ऑपरेट करते हैं यहाँ से सूक्ष्म तरंगे निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही आप जो है रिमोट को क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं या रिमोट के बटन को दबाते हैं, तो ये जो सूक्ष्म तरंगे यहाँ से, कौन सी तरंगे? सूक्ष्म तरंगे, यही सूक्ष्म प्रकाश की तरंगे हैं, ठीक है। ये कहाँ पे जाती हैं? आपके उपकरण में, जहाँ पे ये जो है डायोड जो है लगे होते हैं, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं? एवलांसी फोटोडायोड। तो ये जो सूक्ष्म प्रकाश की तरंगे जब इन फोटोडायोड में जाता है तो ये प्रकाश के आपतित होने से इसमें क्या बहने लगता है? धारा बहने लगता है। और ये जब धारा बहता है तो जो हम आदेश उसको, जिस प्रकार के भी आदेश देते हैं उसको वो क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है और उसी प्रकार से ये उपकरण कार्य करना शुरू कर देता है, ठीक है। यदि हम इस टीवी को ऑन करना चाहें तो हम इस पर क्या करते हैं? हम उसको जो है वही संदेश इसको देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? जो उपकरण है वो क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है। और यदि हम इसको ऑफ का जो है बटन इससे दें, है ना, संदेश दें, तो ये क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ एवलांसी फोटोडायोड जो है इन सूक्ष्म तरंगों के कारण से इसमें धारा प्रवाहित होती है और ये जो है इस प्रकार से कार्य करने लगते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जितने भी आपको भी बताई मैं, एसी हो गया, है ना, कार हो गया, इसमें इसी प्रकार के एवलांसी फोटोडायोड का प्रयोग किया जाता है, ठीक।
और उसमें हम सूक्ष्म प्रकाश की तरंगे डालते हैं जिससे वो कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक, इसमें हमने देखा कि एब्लांसी फोटोडायोड को, इस डायोड को हम कौन से अभिनति में रखते हैं? पश्च अभिनति में। ठीक, पश्च अभिनति में जो जेनर भंजन वोल्टेज प्राप्त होता है, हमने पिछली कक्षा में देखा था, है ना, कि पश्च अभिनति में जब हम रखते हैं तो एक जेनर भंजन वोल्टेज हमको प्राप्त होता है। तो ये जो एवलांसी जो फोटो डायोड होता है उसको जेनर भंजन वोल्टेज से अधिक वोल्टेज प्रयुक्त करके इसको इस्तेमाल किया जाता है। जेनर भंजन जो वोल्टेज होता है वह नियंत्रक और स्थिरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जेनर भंजन वोल्टेज का भी उपयोग होता है। इसको हम जेनर भंजन वोल्टेज के बारे में आगे और देखेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका फोटो डायोड। इसमें हमने तीन मुख्य बातों को देखा। एक हमने क्या किया था, प्रकाश क्या किया, आपतित किया। ठीक है, दूसरी चीज क्या देखा था हमने, दूसरी चीज हमने देखा था कि इसको हम कौन सी अभिनति में रखते हैं, पश्च अभिनति में रखते हैं। और तीसरी चीज, जैसे ही हम उस पर प्रकाश आपतित करते हैं तो क्या बहना चालू हो जाता है? बिल्कुल सही जवाब है ना, क्या बहना चालू हो जाता है? विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। यदि इसी क्रिया को हम क्या कर दें, उलट दें, है ना, ठीक है, जस्ट इसके विपरीत कर दें इस क्रिया को, तो क्या होगा? ठीक, तो जो होता है उसको कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। उसको क्या कहते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, या इसी को कहेंगे LED। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड, यानी इस क्रिया को जस्ट हम क्या कर दें, उलट दें। ठीक है, तो जो हमको प्राप्त होगा उसको कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, यानी एक विशेष प्रकार के PN संधि में हम क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें, और वो अभिनति कैसा हो, अग्र अभिनति हो। यहाँ क्या है, पश्च है, वो क्या हो जाए, अग्र अभिनति। ठीक, एक विशेष प्रकार के PN संधि है ना, जिसको पे हम विद्युत धारा आप प्रवाहित करें, वो भी कौन से अभिनति में, अग्र अभिनति में, तो वहाँ क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रकाश। ठीक है, इस क्रिया के जस्ट कौन सी क्रिया है, विपरीत क्रिया। ठीक, तो देखिए इस प्रकार से यदि जो क्रिया होती है उससे जो प्रकाश उत्सर्जित होती है, ऐसे उपकरण को हम क्या कहते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, अर्थात LED। LED का नाम आपने सुना है। ठीक है, तो ये जो है किस प्रकार से कार्य करता है इसके बारे में देखते हैं कि जब हम, ये हो गया हमारा LED, इस है ना संधि डायोड PN। ठीक, और इसको हम कौन से अभिनति में रखते हैं बताएं, अग्र अभिनति में। ठीक है, कौन से अभिनति में रखते हैं, अग्र अभिनति। और अग्र अभिनति क्या होता है आपको बता चुके हैं, सीधा जोड़ना। ठीक है, ये P मतलब प्लस है ना, प्लस को बैटरी कौन से सिरे से, प्लस से, और ये माइनस, N मतलब माइनस। ठीक है, P मतलब प्लस, N मतलब माइनस। जब प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से सीधा सीधा जोड़ते हैं अपन, तो उसको क्या कहते हैं, अग्र अभिनति कहते हैं, ये सीधा क्रम में। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अग्र अभिनति कहते हैं। ठीक, ऐसी स्थिति में जब हम बाह्य स्रोत से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या दे रहे हैं, विद्युत। ठीक, यही चीज बताया अपन, इसकी जस्ट विपरीत क्रिया, जब हम विशेष प्रकार के PN संधि डायोड को बाह्य स्रोत से विद्युत धारा देते हैं, कौन सी अभिनति में, अग्र अभिनति में, तो उस स्थिति में यहाँ से क्या होने लगता है, क्या होने लगता है, प्रकाश उत्सर्जित होने लगता है। ठीक है, क्या उत्सर्जित होने लगता है, प्रकाश उत्सर्जित होने लगता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, LED कहते हैं। ठीक, इसको आप इस प्रकार से चित्र से भी समझ सकते हैं, ये हो गया आपका
पी संधि और ये हो गया एन संधि, ठीक है ना। जब इसको अग्र अभिनति में रखते हैं तो इसके संधि स्थल से, ठीक है, इसके संधि स्थल से प्रकाश जो है उत्सर्जित होना शुरू हो जाता है। अब प्रकाश क्यों उत्सर्जित होता है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन और होल टूटते हैं, ठीक है, और उसके कारण से क्या होने लगता है, प्रकाश उत्सर्जित होने लगता है। और ये जो विशेष प्रकार का पीएन संधि की बात करें तो यहाँ पे भी हम गैलियम आर्सेनाइड के जो पदार्थ होते हैं उससे हम संधि बनाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार आप मार्केट में इस प्रकार के जो एलईडी होते हैं इनको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये जो सिरा होता है तार का, ये जो तार का लंबा सिरा होता है इसको धन कहते हैं, धन सिरा कहते हैं, और ये जो छोटा वाला जो तार होता है उसको क्या कहते हैं, ऋण सिरा कहते हैं। यानी जो बड़े वाला जो तार आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं, धन सिरा कहते हैं, और ये वाला जो भाग जो दिखाई दे रहा है उस ओर का उसको क्या कहते हैं, ऋण कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो अंदर में जो पदार्थ होता है वो गैलियम आर्सेनाइड का होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये जो सिरा है ऊपर वाला, ये जो है चूंकि छोटा है इसको क्या कहते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक, और ये जो लंबा जो सिरा दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, और इसमें जो पदार्थ बना होता है वो गैलियम आर्सेनाइड का बना होता है। अब यदि हम इसे अग्र अभिनति में जोड़ दें, यदि इसको कैसे जोड़ दिया जाए, अग्र अभिनति में जोड़ दिया जाए तो एलईडी से जो है प्रकाश उत्सर्जित होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये जो है आपका एलईडी है ना, और जो बड़ा वाला जो तार है उसको हमने बताया था कि पी सिरा है, ठीक है। ये जो बड़ा तार है, एक बार फिर से स्पष्ट देखें इसको, ये जो छोटा वाला जो तार है ना, ये एन सिरा होता है, इसको हम बैटरी के एन सिरे से, ऋण सिरे से जोड़ते हैं, ठीक। और ये जो लाल कलर का आप तार देख रहे हैं ये बैटरी का धन सिरा है ना, इसको हम एलईडी के धन सिरे से जोड़ते हैं। यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है जो धारा को नियंत्रित करता है। यदि हम इसको इस प्रकार से जोड़ दें तो यह एलईडी जो है क्या होने लगता है, जलने लगता है। यह मल्टी कलर एलईडी है, इसमें आप देख सकते हैं लाल रंग नीला रंग जो है आपको दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार जब हम क्या करते हैं, इस एलईडी को जोड़ते हैं तो इसमें जो है प्रकाश के रूप में ऊर्जा जो होता है वो हमको स्पष्ट दिखाई देता है। इस जो एलईडी है ना, ये जो है एलईडी अभी तक हम देखते हैं कि हरे कलर के जो एलईडी है वो बनाया गया था, उसी तरीके से लाल कलर की एलईडी का आविष्कार हुआ था, है ना। लेकिन अभी हाल में ही नीले कलर की एलईडी भी बनाई जा चुकी है ना, ठीक है। जापानी जो वैज्ञानिक है, ठीक है, जापानी वैज्ञानिक जिनका नाम आपने क्या किया होगा, सुना होगा, ठीक है, उनके द्वारा ये एलईडी, नीले कलर की एलईडी बनाई गई है। तो अभी हमने देखा कि हरा प्रकार का जो एलईडी है ना, और लाल प्रकार का एलईडी का आविष्कार हो चुका है, और नीले कलर का एलईडी जिसका अभी अभी आविष्कार हुआ है, इसके लिए योगदान जो दिए हैं वो जापानी वैज्ञानिक
आकासाकी और हिरोशी अमानो है ना, और सुजी नाकामुरा, ये तीन वैज्ञानिक जिन्होंने नीले प्रकार के एलईडी का आविष्कार किया है और जिनको इस आविष्कार के लिए इन्हें जो है विश्व का एक महत्वपूर्ण जो पुरस्कार होता है जिसको कहते हैं नोबेल पुरस्कार, आपने नाम सुना है नोबेल पुरस्कार, वह पुरस्कार जो है भौतिक शास्त्र के विषय में इनको दिया गया है और इस प्रकार उनको नीले कलर की एलईडी तैयार करने के लिए सम्मानित किया गया है। आप ये बता सकते हैं कि 2014 का जो नोबेल पुरस्कार है उसमें भारत के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया, किसको सम्मानित किया गया, कैलाश सत्यार्थी जी को है ना, इनको जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया है ना। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन का ये प्रेरणा है और इन्होंने बचपन बचाओ बच्चों के लिए विशेष अपना योगदान किया है और ये हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के निवासी हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे जो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश है वहाँ के व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उनके साथ साथ जो 17 वर्ष की मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की एक 17 वर्षीय लड़की है, उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए विशेष अपना योगदान दिया, उनको भी इनके साथ संयुक्त रूप से शांति के नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो एलईडी होता है ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि इसके महत्वपूर्ण खूबियाँ ऐसी है कि जो एलईडी होते हैं ये कम ऊर्जा में ही क्या करते हैं, इससे ऊर्जा की खपत कम होती है। ठीक है, ये जो एलईडी होते हैं उसमें क्या होता है, ऊर्जा की खपत कम होती है। और आपने देखा कि एलईडी का आकार कैसा होता है, छोटा होता है, एलईडी का आकार भी कैसा होता है, छोटा होता है, ऊर्जा की खपत भी कम होती है और ये जो एलईडी होते हैं इनका जो जीवन काल होता है ये लंबा होता है ना, और उन्नत किस्म की ये होती हैं है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एलईडी के जो महत्वपूर्ण गुण हो गए, इसमें थोड़ी सी जो कमी ये होती है कि ये महंगी होती है ना, लेकिन फिर भी इतनी सारी खूबियाँ एलईडी में होती हैं। हम देखते हैं कि हमारा जो बल्ब होता है वह 1000 है ना घंटे क्या कर सकता है, ऊर्जा दे सकता है, प्रकाश दे सकता है, लेकिन जो एलईडी होती है वो 1,00,000 घंटे तक क्या कर सकती है, प्रकाश दे सकती है। ठीक, तो इस तरीके से ये एलईडी जो होती है हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आप देखते हैं कि खासकर गांव में आप किसान टार्च का उपयोग करते होंगे तो उसमें जो है इस प्रकार से जो होता है एलईडी जो है उसमें लगे होते हैं और उसमें से प्रकाश उत्सर्जित होती है, ये वही एलईडी है जिनका हम उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं है ना। तो ये हो गया एलईडी। अब जो है हम इसके उपरांत जेनर डायोड के विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। ये स्पष्ट हो गया फोटोडायोड और एलईडी है ना। अब जो है जेनर डायोड हमको हमने इसके बारे में अध्ययन किया है। ठीक है, जेनर डायोड ऐसा डायोड होता है जिसमें हम उसे जो संधि होता है उसको किस स्थिति में रखते हैं, पश्च अभिनति में रखते हैं और एक ऐसे वोल्टेज प्राप्त करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जेनर भंजन वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने विशेष अध्ययन कर चुके हैं, इसके लिए आपको ग्राफ के माध्यम से इसको हम क्या करते हैं, समझते हैं या देखते हैं। तो
हमने देखा था जब अग्र अभिनति में होता है तो इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है हमको, अग्र अभिनति। ठीक है, अग्र अभिनति में हमने देखा है कि इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है हमको। ये हम इसको किस में दिखाते हैं, वोल्टेज दिखाते हैं, और ये जो होता है, ये जो होता है धारा का ग्राफ होता है। ठीक है, अग्र अभिनति में हमने देखा है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं उसी क्रम में धारा जो है कैसे होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो ये जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं वैसे ही क्या होने लगता है, धारा बढ़ने लगता है। ये अग्र अभिनति की बात हो गई। अब जो होता है दूसरा, इसको हम इस प्रकार आगे की ओर बढ़ा के इस ग्राफ को बनाते हैं, है ना। हमने देखा था कि यदि इसको ऐसे बढ़ा दिया जाए तो ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है वोल्टेज को, और ये जो है किसको दिखाता है, धारा, और ये जो होता है पश्च अभिनति होता है। ठीक है ना। तो जब हम पीएन संधि डायोड को पश्च अभिनति में रखते हैं तो उस समय किस प्रकार की क्रियाविधि होती है। हम वोल्टेज को तो बढ़ाते जाते हैं परंतु धारा का जो मान होता है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता, अल्प होता है। ठीक है, एक स्थिति वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते एक स्थिति ऐसे प्राप्त होता है जहाँ पर धारा का मान एकाएक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। धारा का मान एकाएक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, जेनर भंजन वोल्टेज। वोल्टेज की इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, जेनर भंजन वोल्टेज कहते हैं। इसको हमने देखा है। ठीक है, तो जब क्या करते हैं, हम वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं धारा का तो मान उस समय न्यून होता है परंतु एक वोल्टेज के एक विशेष मान पर धारा का मान एकाएक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इस वोल्टेज की इस विशेष स्थिति को जेनर भंजन वोल्टेज कहते हैं। और इस जेनर भंजन जो वोल्टेज होता है इसका प्रयोग हम नियंत्रक के रूप में कर सकते हैं, स्थिरक के रूप में कर सकते हैं। जैसे हमने देखा इवलांसी फोटोडायोड में, वहाँ पे हम पश्च अभिनति में रखते हुए उसको जेनर भंजन वोल्टेज से क्या कैसे रखे थे, अधिक मान पर रखे थे। तो जो जेनर भंजन वोल्टेज जो होता है इस वैल्यू को प्राप्त करके हम क्या कर सकते हैं, उसको कम या ज़्यादा करके उसको नियंत्रक या स्थिरक के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जेनर भंजन वोल्टेज और जेनर डायोड। ठीक, तो इस प्रकार से जेनर डायोड का निर्माण जो है किया जा सकता है। इसके उपरांत हम सोलर सेल के बारे में देखते हैं कि सोलर सेल क्या होता है, है ना। सोलर सेल, ठीक है, सोलर सेल जब हम पीएन संधि डायोड में प्रकाश आपतित करते हैं तो उसमें क्या बहना शुरू हो जाता है, धारा बहना शुरू हो जाता है, है ना। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब पीएन संधि डायोड में प्रकाश आपतित होती है, ये कौन सी प्रकाश, सूर्य की प्रकाश, आपतित होती है, है ना, तो विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न, तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सोलर सेल कहते हैं। जब पीएन संधि डायोड में सूर्य की प्रकाश आपतित होती है तो उस संधि स्थल से विद्युत धारा पूरे परिपथ में उत्पन्न हो जाता है, इसे हम सोलर सेल कहते हैं, है ना। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, सोलर पैनल। ठीक है, इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, सोलर पैनल में। आपने देखा होगा कि इसके विषय में हमने अध्ययन भी किया है पिछली कक्षाओं में।
ठीक है ना, ये ऐसे सोलर पैनल जो होते हैं इसमें इस प्रकार के सेल लगे होते हैं जो अर्धचालक पदार्थों से बने होते हैं। ये जो खाचे खाचे दिख रहे हैं आपको, ये क्या होते हैं? सोलर सेल होते हैं। और इनको कहाँ पे रखा जाता है, कहाँ बनाया जाता है? सूर्य की दिशा में, ठीक है, ताकि सूर्य के प्रकाश इन पर पड़े और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न हो, और जिससे क्या उत्पन्न हो जाए? विद्युत धारा उत्पन्न हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे जो सेल होते हैं उस पर क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती है जिससे अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न होते हैं, और इलेक्ट्रॉन और होल जहाँ पर भी उत्पन्न होते हैं और वो गति करने लगते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, ये स्पष्ट है। तो सोलर पैनल में इसी प्रकार के जो सेल होते हैं, सोलर सेल, इनका ही उपयोग किया जाता है। और इसके बारे में हमने पिछले कक्षा में देखा कि इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ऐसे गांव में करते हैं जहाँ पे विद्युत की सुविधा नहीं होती है, इस पर हम जो है सोलर सेल के माध्यम से उन गांव तक विद्युत पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमारे देश में है ना, सिलिकॉन घाटी एक जो क्षेत्र है उसके नाम से प्रसिद्ध है। हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हम पूरे भारत में इस प्रकार जो है व्यवस्था करेंगे ताकि उससे विद्युत का उत्पादन अधिक से अधिक हो सके, है ना। तो ये हो गया आपका सोलर सेल। सोलर सेल की जो है कुछ महत्वपूर्ण खूबियां हैं, वहीं पे कुछ कमियां भी हैं। सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है जहां पर विद्युत का उत्पादन संभव नहीं होता वहां पर विद्युत का उत्पादन इसके माध्यम से संभव हो पाता है। जैसे हमने देखा था उपग्रह और अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं वहां पे भी विद्युत कहां से प्राप्त की जाती है, इसी सोलर सेल, सोलर पैनल के माध्यम से प्राप्त की जाती है ना। लेकिन इसकी कुछ कमियां हैं जिसको हम दैनिक जीवन में देखते हैं। कौन कौन सी कमियां हो सकती है? पहला ये कि यदि आपको बहुत अधिक मात्रा में विद्युत उत्पादन करना है तब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत अधिक माध्यम में आपको बहुत बड़ी मात्रा में आपको सोलर पैनल तैयार करना पड़ेगा, है ना, और ऐसी स्थिति में खर्च कैसे हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में खर्च क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी बहुत अधिक जो है इसमें आय जो है लगाना पड़ेगा। ये एक इसकी कमी है। दूसरी कमी आप देख सकते हैं कि बरसात के दिनों में है ना, ऐसे समय में सूर्य हमको दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है ना, बहुत कम दिखाई देता है, या जब बादल पूरे ढक जाते हैं तो सूर्य की रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती, तो ऐसी स्थिति में सोलर पैनल काम नहीं करता। और तीसरी इसकी कमी जो है हम देख सकते हैं कि चूंकि सूर्य की प्रकाश की जो किरणें होती है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है मात्रा में प्राप्त होती है। कुछ देशों में इसकी किरणें, सूर्य की किरणें कम प्राप्त होती है, तो कुछ देशों में सूर्य की किरणें अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। तो ऐसे स्थान या ऐसे देश जहाँ पे सूर्य के प्रकाश की किरणें कम मात्रा में पाई जाती हैं या प्राप्त होती हैं, वैसे स्थानों के लिए सोलर पैनल उपयुक्त नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये इसकी कुछ कमियाँ हैं, परंतु इसकी खूबी हम देखें तो बहुत ज़्यादा है। इसके माध्यम से हम उन स्थानों पे विद्युत जो है प्राप्त कर सकते हैं जहाँ पर विद्युत उत्पादन कर पाना संभव नहीं होता, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है क्या देखेंगे, ट्रांजिस्टर। सोलर पैनल क्लियर है, आपको समझ आ गया, स्पष्ट हो गया। अब जो है हम देखेंगे वो है संधि ट्रांजिस्टर। संधि ट्रांजिस्टर, ये संधि ट्रांजिस्टर क्या होता है ना, जब पीएन संधि को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है, इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि वो ट्रायोड वाल्व की तरह कार्य करे, तो उसे हम संधि ट्रांजिस्टर कहते हैं,
ठीक है, संधि ट्रांजिस्टर किसको कहते हैं? जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि वो ट्रायोड बाल्ब की तरह कार्य करे, तो उसको कहते हैं संधि ट्रांजिस्टर। ठीक है, संधि ट्रांजिस्टर जोड़ने के क्रम में चूंकि ट्रायोड वाल्व की तरह यह कार्य करता है, इसलिए इसमें तीन अर्धचालक प्रयोग किया जाता है। कितने अर्धचालक? तीन अर्धचालक। ठीक है, इसके जो बाह्य जो सिरा होते हैं, बाह्य सिरा, वो समान अर्धचालक के होते हैं। ठीक है, बाह्य सिरा कैसा होता है? समान अर्धचालक का होता है, और आंतरिक जो सिरा होता है, आंतरिक भाग जो होता है, वो होता है एक प्रकार का अर्धचालक। ठीक, तो नाम से ये स्पष्ट है कि ट्रांजिस्टर में क्या होते हैं? तीन अर्धचालक होते हैं, जिसमें जो बाह्य सिरा होता है वो समान प्रकार के अर्धचालक के बने होते हैं, जबकि उनके जो अंदर का जो भाग होता है वो विपरीत प्रकार का अर्धचालक। यहाँ पे लिख सकते हैं आंतरिक भाग इससे विपरीत प्रकार का है ना, इसको हम यहाँ पे बता सकते हैं विपरीत प्रकार का अर्धचालक, विपरीत प्रकार का अर्धचालक। देखिए अब इसके बन जो है किस प्रकार से बनता है, इसके आधार पे ये दो तरीके के होते हैं। इसके आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, और दूसरा जो होता है वो होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा जो होता है वो होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। अभी हमने आपको बताया कि ये ट्रायोड वाल्व की तरह काम करते हैं और इसमें तीन अर्धचालक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाहर के जो दो अर्धचालक होते हैं वो एक प्रकार के, और अंदर का अर्धचालक उनसे विपरीत प्रकार के अर्धचालक से तैयार किए जाते हैं। देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर में इस प्रकार से हम देख पाएंगे, ये पी है ना, और ये जो मध्य का जो क्षेत्र होता है ये कैसा होता है? बहुत पतला होता है। ठीक, और ये जो क्षेत्र होगा ये बड़ा, आपको स्पष्ट ये दिख रहा है कि ये जो दोनों क्षेत्र हैं ये कहाँ के क्षेत्र हैं? बाह्य क्षेत्र, बाह्य सिरा, और ये क्या हो जाएगा? अंदर का, आंतरिक। ठीक है, तो ये जो होते हैं बाह्य जो सिरे होते हैं वो एक प्रकार के अर्धचालक से बनाए जाते हैं। जैसे नाम लिखा गया है पी, ये पी हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा आपका एन, और ये क्या हो जाएगा? पी। ठीक है, तो ये जो बाह्य जो सिरे हैं वो एक ही प्रकार के अर्धचालक यानी पी प्रकार के अर्धचालक से बने हैं, और यहाँ पे जो अंदर का जो भाग है वो विपरीत प्रकार का अर्धचालक यानी कि एन प्रकार से बना है। ठीक है, ये जो भाग होते हैं इसको क्या कहा जाता है? उत्सर्जक। इसको क्या कहा जाता है? उत्सर्जक। ठीक है, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं एमिटर। चूंकि इसका इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन एमिटर है, इसलिए इसके पहले वाले लेटर ई का प्रयोग इसको दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक, इसी तरीके से ये जो बीच का जो भाग है इसको कहा जाता है आधार। इसको क्या कहा जाता है? आधार, है ना। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। क्या कहा जाता है? बेस। इसलिए जब भी हम ट्रांजिस्टर में इसको दर्शाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे? बी। ठीक, क्या लिखेंगे? बी। इस तरीके से इसी प्रकार यहाँ जो आपका बना है इसको क्या कहते हैं? संग्राहक। तीसरा वाला जो भाग है इसको संग्राहक कहते हैं, और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इसको कलेक्टर कहा जाता है, संग्रहण करने वाला। ठीक है, कलेक्टर मतलब संग्रहण करने वाला। हम दैनिक जीवन में देखते हैं हमारे जो जिला अधिकारी होते हैं, है ना, जिला का जो अधिकारी होता है उसको हम क्या कहते हैं?
कलेक्टर नाम से जानते हैं, ठीक है। और उन इनका अर्थ क्या होता है कि राजस्व करों को जिले के वो क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, है ना। उसी प्रकार से इसका भी नाम कलेक्टर है, ये जो है क्या करता है, संग्रहण का काम, कलेक्टर मतलब होता है संग्रहण करना, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है कलेक्टर, चूंकि पहला लेटर सी है इसलिए हम इसको किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार पीएनपी संधि में, पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है इसमें हमने देखा कि ये जो है पहला वाला उत्सर्जक हो गया, दूसरा वाला आधार और तीसरा वाला क्या होता है, संग्राहक होता है। ये बहुत कैसा होता है, पतला होता है, बीच का भाग कैसा होता है, पतला होता है। अब इसके संकेत थोड़ा सा देखते हैं, ये हो जाएगा आपका इस प्रकार, ये वृत्त बनाते हैं, इसमें ये एक लकीर, ये दूसरी लकीर, ये तीसरी लकीर। ये जो बीच वाला जो भाग होता है, अभी आपको बताया क्या होता है, बेस, क्या होता है बेस, ये होता है आपका एमिटर और ये होता है कलेक्टर, ठीक है। ये एमिटर, ये बीच का भाग बेस और ये कलेक्टर, ठीक है। पीएनपी में धारा ई से बी की ओर जाती है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है ना। और हमने अभी तक देखा कि किस तरीके से जो है डायोड काम करते हैं। अब इसके आगे हम जो ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं इनके कार्यों को हम देखेंगे। धन्यवाद।